हाय स्टूडेंट माइसेल्फ ज्योतिरंजन महांती गवर्नमेंट आईटी कटक नाउ टुडे स्टार्ट द आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी दैट इज द प्रोजेक्शन बिफोर वी डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्शन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन एंड मेथड ऑफ प्रोजेक्शन नाउ टुडे इज डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्शन ऑफ थर्ड एंगल मेथड हाउ टू ड्रॉ द थर्ड एंगल मेथड प्रोजेक्शन देन स्टार्ट द फर्स्ट आई ड्रॉ द ऑब्जेक्ट then question is draw the following views third angle method Before we know the first angle method, now today is the discussion about the third angle method, how to draw the third angle projection. Next, first, I draw the object. It is the isometric object.
56 height, length 75. ये हूँ गोटे ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट रे मु वर्तमान आइसोमेट्रिक एलाको देखिले एपटे 30 डिग्री नेले 75, एपटे 30 डिग्री नेले 50, 90 डिग्री नेले 32, एठी 9 डिग्री नेले 32, एटा 30 डिग्री जॉइंट कली एउटो त कहू छी 30 डिग्री नेबी 24, एटा एठो त कहू छी 9, एटा हो छी 9, आर गैप हो छी 9, आर एठो त कहू छी 36, बार एटा हो जी 24, एटा भी हो जी 24, एटा हो जी 12, तरुण फास्ट ऑफ ऑल ए जो ऑब्जेक्ट आमर कला बेले जानिबा दरकार केमिति ऑब्जेक्टटा ड्र हो जे एटा क्वेश्चन रे देथिबो एई क्वेश्चन अनुसार आमे ताजर कोन करबा ना व्यूटा बाहर करबा तेंनु आमे फास्ट जानिबा दरकार मेथड कोन अछि क्वेश्चन कोन कहू छी मेथड कहू छी जे एटा थर्ड एंगल रे करबा को पड़िबो तेंनु सेई थर्ड एंगल मेथड जेतबे करबा मु तमु आगरु बिफोर जेतबे प्रोजेक्शन पढौथिली सेतबे तमु कहिथिली फास्ट कोन करबो गोटे एक्सिस काट दबो एक्सिस काट देले तमे जानिबो जे प्रोजेक्शन रो पोजीशन कोड रहइबो फ्रंट व्यू कोड रहइबो टॉप व्यू कोड रहइबो साइड व्यू कोड रहइबो ए जिंसटा क्लियर होइ परइबो तनो मेथड टा हम जतल जानले एटी जे थर्ड एंगल मेथड अछि तनो थर्ड एंगल मेथड जानि जाओ बिफोर वी डिस्कशन द कोन फर्स्ट एंगल मेथड कारण फर्स्ट एंगल मेथड हम कहितले कोन व्यू रो पोजीशन चेंज होउछि जदी टॉप व्यू रहइबो तळे फ्रंट व्यू रहइबो ऊपर लेफ्ट साइड व्यू रहइबो राइट साइड ऑफ द एलिवेशन ए जिंस हम जानिथिले फर्स्ट एंगल किंतु थर्ड एंगल मेथड रे आमर कौन होजी टोटल व्यू रा पोजीशन चेंज होनी जे जो पोजीशन रहिया कथा सेही पोजीशन रे रहिबे तनु एठी आमे इजीली ड्र करिया को किछ असुविधा होबो ने आमर इजी होबो ड्र करिया पे तनु फास्ट आमे जानिबा जे यदि सपोज किछ आरो मार्किंग क्वेश्चन देइ नथिबो यदि ए जो ऑब्जेक्ट टा कटा लादर किछ आरो मार्किंग मु वर्तमान पर्यंत देइनी यदि क्वेश्चन न देइथो तले आमे जानिबा कोन आगुर कहिथिली ना जोटा लेंथ अधिका थिबो सेही लेंथ कि फ्रंट व्यू बेली धरा जिवो ধর সপোজ মু এটি দেই দিলি আর মার্কিং তেন আ অসুবিধা কিছু না কোটা ফ্রন্ট ভিউ তুমি জানিবা সহজ হয়ে যাব তেন এটা হচ্ছে তোমার ফ্রন্ট ভিউ আমি ধরলা তেন যেহেতু ফ্রন্ট ভিউ আমি এপটে হলা তেন এটা হচ্ছে আমার কোড রাইট সাইড তেন আমি এই যে অ্যাক্সিস কাটিলে এথ্রু জানিপারিবা রাইট সাইড কোটা লেফট সাইড কোটা সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস তেন আমি যেহেতু রাইট সাইড নেলে এইপট রাইট সাইড ভিউ আছে তেন আমার এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ মানে যেটি রাইট সাইড রলে ড্র হব আউ টপ ভিউ মানে এই ড্র হব তেন তার মানে এটি পজিশন কিছু চেঞ্জ হলানি রাইট সাইড এলিভেশন রহিলা তলে टॉप व्यू रहिला बा प्लान रहिला ऊपर सेमती लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट साइड ऑफ द एलिवेशन ओके तो नाउ स्टार्ट करिबा बर्तने फ्रंट व्यूटा हम केमि ड्र करिबा मु ताको आगो सेट कर दउची सेति के जानि परिबा जे प्रथम होउची फ्रंट कोइच मींस ओनली खाली फ्रंट को आमे देखिबा आउ किछि जिंस आमे देखिबा नै तनो सबुर जहा को भी आमे ड्र करले भी हबो फ्रंट व्यू हो टॉप व्यू हो साइड व्यू हो जहा किछि ड्र करिया भेले सबु को हमकु सामना को नबा पडिबो ଆଗ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଇଜିଲି ଡ୍ର କରିପାରିବା ତେଣୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଛେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ କ'ଣ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବେସ୍ ତେଣୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗ ହେଉଛି ବେସ୍ କ'ଣ ନା ବେସ୍ ହେଉଛି 75 ଆମେ ଆଗ ବେସ୍ଟାକୁ ନେବା ତେଣୁ ଏତିକି ପର୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ନ ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି କେଉଁଟା ନ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଡ୍ର କର ଏଲିଭେସନ୍ ଏଲିଭେସନ୍ ଆଗ କ'ଣ କରିବ ବେସ୍ ହେଉଛି କେତେ ନା 75 ଆଗ ନେଇଗଲ ତାର ହାଇଟ୍ କେତେ ଅଛି ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ କେତେ ଉଠିଛି ନା 32 ଏଇଟା ଦେଇଛି ହାଇଟ୍ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଡ୍ର କରି ମିଶେଇ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଏତିକି ପର୍ସେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଇଏ କରିଛି ସେତିକି ପର୍ସେଣ୍ଟ ଏଠି ଆସିଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ବେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ସେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଠିକ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଅଛି ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର କର୍ଣ୍ଣର୍ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କେତେ ହାଇଟ୍ ଉଠିବ ନା ଅପ୍ ଟୁ 56 ହେଲେ ଏଇଠୁ ତ କହୁଛି 24 ଏଇଠୁ 32 ଗଲା ଆଉ ରେଷ୍ଟ ମାଇନସ୍ କରିଦେବ ଯାହା ହେଲା ସେତିକି ଉଠିଲା ପୁଣି ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ
ना एठु राइट टू लेफ्ट को आइछि लेफ्ट को आइला आसला पर कोन आइछि पुनी डाउन हिछि ता माने एत्ती की जिंस आमे क्लियर हेइ पाइले ते हम एत्तीटा हम को देखि पाउ जे एटा हो इम्पोर्टेंट जिंस आ गोटे जिंस होछि कोन ता पर कोन न देखा जाउछि जे ए जो पर्सनटा अछि एही पर्सन भितरे आमर एठी गोटे स्लॉट एठी कटा हेइछि जो स्लॉटटा कि आमे एपोर्ट अनैल देखा जीवने से ता भितरे रहि जाइछि तेणु तार डेप्थटा केते मु एठी छाड़ जाइ छि डेप्थटा होछि 16 तेणु आमर बर्तमान यही स्लॉटटा केते बाट जाय जाइ छि ना एठु मापिबा 36 जोठी हबो सेति कि जाय जाय कि कारण लेफ्ट टू राइट को जाय छि ये ला लेफ्ट लेफ्ट टू राइट गला ए पर्सन जो 36 हला से बिंदु आग दबा केते डेप्थ पर्यंत से स्लॉटटा हेइ छि ना अप टू 16 तमन एटा हला 32 32 रो अधा पर्यंत कोन हबो सेठी ना जेहेतु सेटा न देखा जाउनी आमे से गोटे हिडन लाइन टाणीबा ता कोनती डॉटेड लाइन बेली हिडन माने कोन जो जिनसटा लुची जाइथबो देखा जाउ नथिबो सेटा को आमे कहूचे हिडन बेली तेणु डॉटेड लाइन टाणीबा तेणु बिफोर जेतले तमे जानिथबो ड्रइंग जेतले आमे पढ़िले प्रथम जानिथिले लाइन्स लाइन्सटा होची भेरी इंपोर्टेंट कारण ड्रइंग आम लाइन्स जदि आमे न जानिबा ताले ड्रइंग किछि करि परिबाने लाइन्स रे तमे गोटे पढ़ा हेइथबो टाइप्स अफ लाइन्स एंड देयर यूजेस रे तादर गोटे हिडन लाइन पढ़ा हेइथबो ए हिडन लाइन रो ये हूँ प्रपोर्सन हूँ ये मीडियम थिक लाइन हम आर जो प्रपोर्सन हूँ कौन ना 2:1 रेसीओ पड़ो तमें लेंथटा जब 2 हम गैपटा हम 1 तेणु यही रेसीओ या पकेब पड़ो हिडन लाइन को तेणु से जहाँ भी हो तेणु हिडन लाइन टाइम पड़ा तेणु आम बर्तमान कौन है ना फ्रंट व्यूटा ओभर आउ फ्रंट जहाँ देखा जाए से देखिले जोड़ा न देखा जाटा को आम हिडन आकार ड्र कले एवं कौन हम डायमेनसन दवा फास्ट बेस डायमेनसन हूँ के 75 दवा डायमेनसन आ गोटे इंपोर्टेंट जिनस मन रखिबो ए जो डायमेनसन लाइन दिया जाउची तार बोथ एंड रे दुटा आरो रही से आरो रो सर्टन प्रिंसिपल अछि कौन ना आमे धर सपोज लाइन टाइम टाणले आगे गोटे 90 डिग्री पकेबा गोटे गार ए जो 90 डिग्री गारटा आमे पकेले आरो एठु ऊपर को जहा एठु तल को सेया नबा जहा नबा एटा तार 3 गुणा नबा 3 times तेणु यही कहती डेप्थ ऑफ द आरो बोली एटा कौन कहती डेप्थ ऑफ द आरो यही कौन कहती दैट इज द लेंथ ऑफ द आरो डेप्थ जदि आम सपोज 1 mm नबा ताले एटा नबा केते 3 mm ता माने सब बेले 3 गुणा आरो डेप्थ रो 3 गुणा से अनुसार आरो को ड्रॉ करे पड़िबो 3 times तेणु से इंपोर्टेंट जिनस डायमेनसन लाइन आउ एक्सटेनसन लाइन हूँ एथेर इंपोर्टेंट तेणु आगु जो पढ़ाई थोड़ा लाइन्स तादर पढ़ाई थोड़ा डायमेनसन लाइन आउ एक्सटेनसन लाइन ता सहित इंपोर्टेंट जिन आउ गोटे कहीदी डायमेनसन लाइन जो टच कला एक्सटेनसन को यहाँ कहते एक्सटेनसन लाइन बोली तार जस्ट 3 mm बिलो द एक्सटेनसन लाइन द डायमेनसन लाइन कैन भी जो ड्र होती द एक्सटेनसन लाइन कैन भी एक्सटेंड बिलो द 3 mm अफ द डायमेनसन लाइन डायमेनसन लाइन रिलीमिटर पर्यटन एक्सटेड हे मन को रही एमती भी करें ये भूल किंबा एमती बड़ लाइन टाणी पारे तार प्रिंसिपल अच्छे जहाँ नब इक्वाल नब यू कहीं मापती खाली गोटे इमाजिनरी समय देखिए हाँ डायमेनसन लाइन एक्सटेनसन लाइन ठीक ड्र होला ओके नेक्स्ट आर अगर जो डायमेनसन अच्छी मुझे तार पर देवी आग आप आसवा टॉप व्यू को मुझे टॉप व्यू बर्तमान कौन करुच्चर गोटे क्रॉस चिन्ह दौर जापर जो टॉप कौटा से इजी हम मुझुरा सब क्रॉस देली से पर्सन को आम कह कौन यहाँ हूँ टॉप व्यू गोटे आदि भेरी इंपोर्टेंट जिनस हूँ कौन ना टॉप व्यूटा जो ड्र करवा मन रख फ्रंट व्यू हूँ कि साइड व्यू हूँ ये सब बड़े कौन हम ना वर्टिकल लाइन हम जो टॉप व्यू हम ये फ्लैट आसो ऊपर जेको जिनस को आम देखिले तार 4 जिनस जो आम अच्छी लेंथ तादे गोटे हूँ लेंथ ब्रेथ हो रही गोटे स्क्वायर हो मे बी रेक्टांगल सेप आस तेणु ऊपर जो आम अनवा 4 बाहू आम तेरे ड्र करवा तेणु जमीता देहा होता जमीता फिगर था तेणु आखि बुझे तुम कौन कर गोटे रेक्टांगल हो स्क्वायर सेप केमती हम ना आर लेंथ है क्या 75 आर यहाँ है 50 75 50 गोटे ड्र करदेव देख मु बर्तमान ड्र कर सीधार पोजिशन नहीं जीव एट पोजिशन लाइन देल एटा है जेहेतु एलिवेशन आर जहाँ प्लान ए सैड से सैडटा नब के ना 50 75 आउ 50 रे मु गोटे कौन कली बक्स एटा खाली सिंपल लिखि दौर 75 आउ 50 आर देख कौट कौन डिजाइन अच्छे फास्ट तले देख
ए लाइनटा कंटिन्यूस एटा कंटिन्यू रहा एटा तल लाइन जेहेतु एलिवेशन ये अनुसार एटा तल तापर कौन है ना आम लेफ्ट हो राइट हो जेको गोटे जगह डिरेक्शन जावा आम धर ये पहुँचे से पॉइंटा हो ऊपर उठवा केत बाट जावा ना ये तो देखिए कैसे बार बार जाए गले ट्वेल्व गले ट्वेल्व गलापर यू आड़ के आस चबीस चबीस आस यही सीधार पोजिशन भी मिशु थोड़ा जमी सब चेस्टा कर तुम एलिवेशन आ प्लां सहित सब रोथ आइल आसला कौन है ना पुणी चबीस जा पुणी चबीस जीव चबीस गलापर कौन है ना से गोटे बक्स भाई हो तुमर क्वेश्चन आसो जे सार ये तो चबीस गला ये जो गैपटा कौन रहा टोटाल चिंता कर एठू तो कहूँ तुम पचास तुम बार पर चबीस गल चबीस बार के छत्तीस चबीस दुई छबीस दस छत्तीस आउ रहा रेस्ट के चौदह चौदह कौन है ना यहाँ स्लोप हो जॉइंट हो तेणु स्लोप हो जॉइंट हो मैंने तुम सेतक जाइए तुम कौन हो जो लाइनटा ये गल या जाए मिसीज यही गैपटा हूँ से जो स्लोप पर्सनटा कहीं आमर एट गोटे ये लाइनटा जाइव सेपटे जाए मिसो सेठू से लाइनटा जदि से भर्टिकाल नाइंटी डिग्री था तुम एमती था यहाँ धर सपोज डटेड आकर मुझे देखा ये नाइंटी डिग्री था ए स्पेसटा एमती गैप रहा हूँ जॉइंट हम ना जेहेतु यहाँ मिसीचे से आधे ये जाए मिसी तेनाली से लाइनटा आधे जॉइंट होगा ओके ये सरगल राइट साइड टॉप पोर्शन बर्तमान लेफ्ट साइड देखा ये पोर्शनटा कौन है देख यू लेफ्ट रू मुठी गली के नाइन गली ओके एपटर भी उपर आस नाइन न न आसला कौन है ना भितरक जीव छतीस अप टू देख ये गोटे डटेड अच्छी से सीधा पोजिशन रे एपटे आसिक सीधे गोटे लाइन देख यही गोटे पोजिशन क्रिएट है कौन है मन रख जेहेतु आम गोटे बहीटा को जो आम खोली दौचे यही पोजिशन रोचे एमती जो खोल मझीरे गोटे लाइन देखा जोटा कि आमर दी पेज जॉइंट है से मझी लाइन था यहाँ ये हूँ से भाया सेप बी सेप रही तेनाली मिडिले गोटे लाइन आमको देखा गोटे एपट आ गए एपट सैड यहाँ हूँ एपट सैड एपट सैड मझे गोटे लाइन तेणु से अनुसार आम जहाँटा टॉप व्यू रे देखा कथा से देखीदे आम एवं कौन डायमेंशनिंग जेहेतु मन रख एलिवेशन आम एठ तो पचस्तरी अच्छी प्लान भी से सेम ररकार आम सैड से डायमेनसन नदे आम ए सैड डायमेनसन देदे ए सैड रायमेनसन के फिफ्टी आर एठ तो कहते जेहतु मन रख आ गए इंपोर्टा जिनस ये जो डटेड लाइन दिखाई डटेड उपर के डायमेनसन लाइन दिजाव नहीं क्या डटेड तो एक्सटेनसन हेनी तेणु जेहतु डटेड एक्सटेनसन हेनी से फार्म लाइन जो अच्छी कंटिन्यूस लाइन ये एक्सटेनसन देखिए मुझे ये मेजरमेंटा देपरि ये एक्सटेनसन कल ये एक्सटेनसन कल ये मेजरमेंटा देपर तार के थर्टी सिक्स है आर डायमेनसन दिगला जो डायमेनसन अच्छी चबीस वेली ये देदेव ट्वेंटी फोर एठ तो कह ट्वेल्व है तेणु बार चबीस ये जो दिगला मेजरमेंट आर एठ तक जो देवा पड़ो आईदर एटि दि और एटि दे दि आर एठ तक कहूँ के ट्वेंटी फोर टॉप व्यूरो जहाँ जहाँ आमर दरकार डायमेनसन दिगला फ्रंट व्यूरो खाली आमर दि हम ये तक हाइटा दिहाइन ए हाइटा दिहाई के ना एट तक हूँ थर्टी टू तापर ए टोटल हाइट हूँ फिफ्टी सिक्स ओके ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू दुटा जगह क्लियर नेक्स्ट आसो साइड व्यू साइड व्यूटा आमर हूँ कौन ना जेहेतु यहाँ हूँ राइट साइड ड्र होती तार लेफ्ट साइड हूँ साइड व्यू मुझे ये खाली प्लेन देली आर किसी सिंबल कली नहीं देली नहीं कहीं ये गोटे अलग प्रकार रहा एलिवेशन यहाँ हूँ क्रस रहा यहाँ प्लेन रहा तेनाली साइड व्यू जानव साइड व्यू बेस के प्रोजेक्शन से अनुसार नब यही एलिवेशन जहाँ नब से सीधार से स्ट्रेट प्रोजेक्शन लाइन टाणव तार बेस हूँ के फिफ्टी आग फिफ्टी नहींगल आर हाइट यही अनुसार आसो एतिक नहीं सारापर एटा कौन कर भि सेप जो डिजाइनटा हो अनुसार आपको कौन कर पूरा आग कंटिन्यू करदेव लाइनटा पड़ो पड़ापर
ढोतक मापिब आग नाइन यू माप नाइन यो भि पर्सन अच्छी यू कमी माप ना यू पचीस से कौच पचीस मैंने मिडिल पचास रिडिल यू नहीं जाठर पचीस माप जो से बिंदुदेव एपटू आठ कनेक्शन कर एपटू आठ कनेक्शन कर क्वेश्चन टा तुम्हें पाइपर क्वेश्चन हो तुम्हें कह सारे एपटू अन आमर ये लाइन टा जो ये ये तो देखा जाऊनि कितु से लाइन टा कहीं कंटिन्यू कराई मन रख जेहेतु ये लाइन टा ना तेणु आर एपट को लाइन अच्छी से आमर यहाँ कंटिन्यूस लाइन होगा तापर नेक्स्ट आम यू उठवा कौन करवा ना राइट साइड रू यू छाड़ आम के बार बार है आसो यहीटा उठला के चबीस अफ टू यही हाइट्रे एलिवेशन हाइट्रे चबीस उठला पुणी चबीस आसवा चबीस आसला कौन कर ना सीधा स्लोप है आसिक जॉइंट हे ये आईटा नाइन डिग्री रही यहीटा हूँ ओनली नाइन डिग्री यहाँ स्लोप है जॉइंट हे तो बेस के दवा ना आगे बेस देद पचास आर हाइट देदल ये जेहेतु से डटेड अच्छी दिह हम नहीं ये षोह तापर आर मिडिल पॉइंट देदेव ये केते 25 ओके तेणु साइड को सरला यहाँ हूँ टप एटा फ्रंट बा एलिवेशन कहती एटा को साइड व्यू बा एंड व्यू बोली कहती तीन टा जाक व्यू बर्तमान होगा मन रख तीन टा जाक व्यूर पोजिशन चेंज हे ना जी जो प्रॉपर पोजिशन रे आर एठ तक जहाँ यही सीधा रोक तुम एलिवेशन आ प्लान सेम पोजिशन एलिवेशन आ साइड व्यू सेम पोजिशन रोक कई अलग रही पारे ना कहीं जेहेतु आम गोटे ऑब्जेक्ट रु ये तीन टा जाक व्यू को आम काढ़ीचे से तीन टा जाक जो पुणी जॉइंट करेंगे ये भाया गोटे ऑब्जेक्ट हो कह असेंबली बोली यहाँ हूँ डिटेल्स तेणु आ देर मुझे जो डायमेनसन सब देखिए डायमेनसन में कौन जगह मुझे यूनिट लिखी वा यूनिट लिखा हम ना से कौन लिखा हे लास्ट को ठीक टाइटल ब्लॉक ऊपर को लिखिब ऑल द डायमेंशंस आर इन एमएम तमान जिते आम नहींचे मेजरमेंट सब हूँ मिलीमीटर रे लिखाई गला ता सहित आउ गोटे जिनस इंपोर्टा जिनस गोटे सिंबल करदेव कौन ना थर्ड एंगल सिंबल आग नहीं जब ये रेसीोटा जहाँ नब तार हाफ एटा नब नहीं आपको जॉइंट करदेव तापर ये तार टॉप व्यू एटा हूँ सिंबल तापर आउ गोटे जिनस एटी स्केल स्केल हूँ भेरी इंपोर्टेंट जिनस स्केलटा तुम गोटे स्पेस थी स्केल कौन नब ना जहाँ नहीं थो मेजरमेंटा कौ अनुसार आईदर फुल स्केल और हाफ स्केल जहाँ नब जब रिड्यूस करा कमे नाक थोड़ा तो आम रिड्यूस स्केल ना जदि जेहेतु मुझे आदि किसी कमे किसी बढ़े जहाँ था सी नहीं लिखी स्केल वन इज टू वन ओके तेणु यहाँ हूँ एति प्रपर यहाँ हूँ एक्चुअली तुम मेन हूँ फास्ट एंगल हो थर्ड एंगल हो प्रोजेक्शन टा हूँ भेरी इंपोर्टेंट जिनस तेणु सब जगह तुम ये हम ओके तेना आज समस्ते जान लिषय जदि कह किसी डाउट थाए बा किसी थाए तुम मत पचार मोर व्हाट्सअप नंबर मुझे तुमको दौची से व्हाट्सअप नंबर में मत कंटाक्ट कर एनी डाउट यू कैन आस्क मी ओके थैंक यू। झीटटीए तो माटी आम सामाजिक और पारिवारिक जीवन मूल कथी से आगक गले आगक जीव संसार आम झी मैने पुओं ठू पछरे एवं तो बदली गला समय बदली गला जुग से ही झील मानू आहरी आग को नहीं आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबी करने को सरकार सुदक्षा योजन सरकारी आईटीआई मध्यम संपूर्ण मागणारे जोगई देउछन्ति सबु प्रकार उत्कृष्ट मानर वैषयिक ज्ञानकौशल तालीम एबे आम झी रही सबुठ आगरे सबुठ ऊपर सफल सुदक्षा।